रीवा गैंग रेप के 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार, 2 बाल अपराधियों को 1255 किलोमीटर पीछा कर मुंबई से पकड़ा। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले के बहुचर्चित गैंग रेप के मामले में पुलिस रेपिस्टों से 2 कदम आगे चल रही है। SSP अनिल सोनकर ने बताया कि नई गढ़ी थाना अंतर्गत अष्टभुजी माता मंदिर में 16 साल की लड़की से गैंग रेप करने वाले 3 आरोपियों के घर बुलडोजर चलाकर जमीन दोज कर दिए गए। वहीं रविवार की रात 8 बजे 2 रेपिस्टों को 1255 किलोमीटर दूर मुंबई से पीछा कर पकड़ा है। बताया गया है कि गैंग रेप की घटना को लीड कर रहे मऊगंज SDPO नवीन दुबे ने साइबर सेल से 2 अपराधियों की लोकेशन मांगी। पुलिस के CDR में लास्ट लोकेशन मेहर जबलपुर के बीच मिली। ऐसे में रीवा पुलिस ने रेलवे के सर्वर से उस टाइमिंग से गुजरने वाली ट्रेनों को ट्रैक किया। सटीक जानकारी मिलने के बाद दूसरे मिशन में मुंबई गई रीवा पुलिस के 2 जवानों ने नई मुंबई के थाने से धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी नाबालिग है। मऊगंज SDPO नवीन दुबे ने बताया कि जिन 2 अपराधियों को मुंबई से गिरफ्तार किया गया वे दोनों नाबालिग हैं। फिलहाल मुंबई गए 2 जवानों ने दोनों को बड़ी ही चतुराई से पकड़ा। प्रयास लगाए जा रहे हैं संभवतः 3 रेपिस्टों के बचे घरों को आज शाम तक बुलडोजर लगाकर गिराने की कार्रवाई की जाएगी। रीवा सतना की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेपिस्ट के साथ क्या किया जाना चाहिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।